हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं आपके लिए होली के लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल, सोबर, कुछ भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किए हैं, बहुत ही कम प्रोडक्ट्स में कैसे सादा सिंपल आप मेकअप कर सकते हो एंड किस तरह से आप अपने आप को एलिगेंट, सुंदर, सुपर बना सकते हो, ये मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना फेस वॉश करके बैठ गई हूँ एंड एवरीथिंग मैंने यहाँ पे क्लीन कर लिया है। जो काजल वगैरह एक्स्ट्रा होता है वो सब मैंने क्लीन कर लिया है। आज मैं ओलिविया जो स्टिक है वो यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो मेरी आँखों के नीचे जो थोड़ा सा डार्कनेस है आँखों के ऊपर वगैरह, जॉ लाइन पे, चीक्स के नीचे, फोरहेड पे, जिस तरह हम तो कंसीलर लगाते हैं, कंसीलर की तरह से ही हमको आज ये स्टिक लगानी है। एंड अकॉर्डिंगली आज मैं जैसे आपको बताया कि मैंने चार ही प्रोडक्ट्स में यूज़ करने वाली हूँ, तो इसको फिंगर्स से ही मैं ब्लेंड करूँगी। तो चार ही प्रोडक्ट्स को मुझे यूज़ करना है। तो यही आज मेरा फाउंडेशन है, यही आज मेरा प्राइमर है और यही आज मेरा कंसीलर है। तो आज इसी को मैं सब अच्छे से करूँगी ब्लेंड अप। और इसको आप देख सकते हैं, ये टोटली एक्चुअली ये नेचुरल शेड में है ओलिविया की पैन स्टिक। तो ये टोटली जब हम लोग ब्लेंड करते हैं तो ये थोड़ी वाइट वाइट दिखने लगती है, लेकिन जैसे ही हमारा मेकअप सेट हो जाता है, पूरा मेकअप सेट हो जाता है, तो थोड़ी देर के बाद ये लगने लगती है लाइट अपने आप, इसका कलर लाइट हो जाता है। तो आप इसको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अच्छे से ब्लेंड कीजिए, नहीं तो आपके कुछ पार्ट जो है वो आपकी स्किन के कलर के दिखने लगेंगे एंड कुछ पार्ट ऐसे वाइट वाइट लगेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं देता है, बस एक थोड़ा सा वाइट वाइटिश आपकी स्किन को रखता है। लेकिन आज का जो मेकअप है होली के लिए है। अब आप बोलोगे वाटरप्रूफ क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, बिकॉज वाटरप्रूफ मेकअप का कोई भी फ़ायदा नहीं है आई थिंक होली के टाइम पे। बिकॉज जितना भी अगर हम लोग वाटरप्रूफ करेंगे भी, तो अगर उसमें मस्कारा यूज करो, कुछ भी यूज़ करो, तो वो बाद में बहने लगेगा एंड आई डोंट थिंक सो इतना लंबा चौड़ा मेकअप करके हम लोग होली खेलने जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल अच्छा दिखना है, थोड़ा सा बेटर लगना है एंड थोड़ा सा अच्छा लगना है, क्योंकि शुरुआती में तो हम लोग थोड़े से अच्छे लगेंगे, बाद में भले ही काले भूत हो जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्किन केयर करने के बाद अगर आप ये करोगे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट अच्छा आएगा। एंड मैंने आज ओलिविया पैन स्टिक इसीलिए यूज़ किया बिकॉज ये बहुत ही ईजी है, ब्लेंडअप अच्छे से हो जाती है, अफोर्डेबल है, आपके मेकअप प्रोडक्ट्स भी बर्बाद नहीं होंगे एंड अच्छे से आपका हो जाएगा। एंड चार प्रोडक्ट्स यूज़ करके आप होली खेलने चले जाओ, आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अब इसके बाद वाइट टोन पाउडर मैंने ले ली है और ये आज मैं इंडियन मेथड से लगाने वाली हूँ, टोटली इंडियन मेथड जो हमारी होती है पाउडर लगाने वाली, टोटली उसी मेथड से मैं लगाने वाली हूँ। तो ये देखिए मैंने जिस तरह से अपने इस पूरे फेस पे इस पाउडर को पहले लगा लिया एंड देन इसको पूरा ब्लेंड 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 कर रही हूँ, मतलब पूरा इसको अच्छे से फैला रही हूँ। अब देख सकते हैं मेरे हाथों में और मेरे चेहरे पे कितना फ़र्क लग रहा है, कितना फ़र्क। जैसे आप देख सकते हो ओलिविया की जो स्टिक है मैंने आपको बताया कि ये बहुत वाइट कर देती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब आपका मेकअप सेट हो जाता है तो ऑलमोस्ट एक 20 to 30 मिनट्स में, आई थिंक 15 to 20 मिनट्स इज मोर देन इनफ, तब तक आपका जो बेस है वो ऑलमोस्ट ठीक हो जाता है बिकॉज ये ऑक्सीडाइज होता है। मेकअप काला क्यों पड़ता है, बिकॉज ये ऑक्सीडाइज होता है, बाद में ये आपके कलर में बैठ जाता है। इसलिए स्टार्टिंग में अगर ये वाइट भी दिखे तो टेंशन मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आज मैं आपको जो थर्ड चीज़ यूज़ करने वाली हूँ वो है काजल। तो आज मैं काजल ही एज अ लाइनर, एज अ काजल, एज अ आईब्रो पेंसिल सब कुछ यूज़ करने वाली हूँ। तो आईब्रो पेंसिल की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं यूज़ करूँगी आज इसको एज एन आईब्रो पेंसिल, बट आप यूज़ कर सकते हो इसको, हल्का हल्का आप आईब्रोज पे चलाइए एंड इसको ब्लेंड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आईब्रो पेंसिल का भी काम कर देता है काजल। मेबेलिन का कोलोसल काजल लिया है तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है एंड इसी से मैं अपना लाइनर भी ड्रॉ कर रही हूँ, बहुत ही थिन लाइनर बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बना रही हूँ मैं। एंड काजल भी बहुत ही ज़्यादा लाइट लगाया, ज़्यादा नहीं लगाया मैंने, बिकॉज क्या होता है ना फिर वो फैलने लगता है, अगर पानी वगैरह गिरे तो फैलने लगता है। हाँ, बस नीचे स्मज ना हो, फैले ना, इसीलिए मैं नीचे पाउडर लगा रही हूँ थोड़ी सी, जिससे क्या होता है ये नीचे स्मज नहीं होता है, फैलता नहीं है एंड आपकी आँखें अच्छी लगती है। अब यहाँ पे आपको जो अपने पाउडर लगाया उसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लो, उसका थोड़ा सा अच्छे से फैला लो। अब आप देख सकते हैं धीरे धीरे थोड़ा सा टोन कम हो रहा है, जैसे वाइटनेस है वो कम होती रहती है। तो अभी फोर्थ प्रोडक्ट जो है वो है लिपस्टिक।
तो थोड़ा सा अच्छा लगना है तो थोड़ा सा आई शेडो वगैरह तो चलता ही है, थोड़ा सा आई शेडो, थोड़ा सा ब्लश, इनकी भी ज़रूरत लगती है। तो मैं देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आई शेडो अपने आँखों के ऊपर लगा लिया, ब्लश के लिए लगा ली। NYBA की लिपस्टिक है, आई थिंक कुछ शेड है, पता नहीं मुझे इसका शेड नहीं आता, बहुत पुरानी लिपस्टिक है ये। तो ये जनरली जब कोई बहुत हाई एंड मेकअप नहीं होता है, बहुत यूज़फुल, मतलब बहुत कहीं जाना नहीं होता है, तब टिक्के टाइप का मेकअप अगर हो तो उस टाइम मैं ये वाली लिपस्टिक यूज़ करती हूँ। तो ये एक्चुअली ये न्यूड टोन में है, इसका कलर थोड़ा सा रेडिश न्यूड टोन में है। तो अभी इसको मैंने थोड़ा सा मेकअप ब्लेंड थोड़ा सा दिखे इसीलिए मैंने इसको अपने आँखों के ऊपर वगैरह लगाया है, जिससे थोड़ा सा इफेक्ट आएगा, मतलब न्यूड मतलब पूरा ही न्यूड नहीं, थोड़ा सा रेडिश न्यूड है, तो ये दिख के आएगा मतलब हाँ बाबा आँखों के ऊपर कुछ लगाया है। देन आप गालों पे भी देख सकते हैं मेरे चीक बोन्स कैसे थोड़े से लाल लाल, ज़्यादा नहीं थोड़े से दिख रहे हैं। और यहाँ पे अभी मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं न्यूड कलर है, तो ज़्यादा नहीं थोड़ी रेडिश न्यूड है जैसे। तो इसमें थोड़ा सा ये ग्लॉसी है थोड़ी सी, तो मुझे ग्लॉसी लिपस्टिक इतनी पसंद नहीं है, फिर भी लगा दी मैंने, चलो चल जाता है, तो फिर बाद में इतनी नहीं होती। इसको आप मैट कर सकते हो पाउडर की मदद से एंड अच्छी लगती है ये। तो यहाँ पे हो गया ये मेरा मेकअप फुल रेडी। अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ हो गई कि मैं लगाना भूल गई बिंदी, तो बिंदी ज़रूर लगाइए एंड उसके बाद आप है रेडी होली खेलने के लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।